नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सीमा और स्वागत है आपका आपकी अपनी दावत में। तो चलिए, बहुत दिनों से कुछ मीठा नहीं बनाया, तो बनाते हैं आज बहुत ही टेस्टी और रसीले गुलाब जामुन। यह रेसिपी बहुत ही आसान है और आप इसे घर पर बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हो। मैंने ये गुलाब जाम बनाए हैं MTR के रेडीमिक्स पैकेट से। तो बहुत सारे लोग नहीं जानते कि ये जो पैकेट्स मिलते हैं गिट्स हो या MTR के हो, इससे गुलाब जामुन परफेक्टली कैसे बनाए जाते हैं, तो चलिए आज हम वही देखते हैं। तो इसके लिए मैंने ली है 1 किलो चीनी, आधा कप दूध, 7 से 8 इलायची जिसका हम बाद में पाउडर बना लेंगे, और 1 गुलाब जामुन का रेडीमिक्स पैकेट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पतीले में 1 किलो जो चीनी ली है वो यहाँ पे डाल दी है, और उसमें 2 ग्लास मैंने पानी डाल दिया है। गुलाब जामुन की चाशनी बहुत ज़्यादा थिक नहीं होती, इसीलिए पानी हमने 2 ग्लास डाल दिया है। इसे पकने में 7 से 8 मिनट लग सकते हैं। तो तब तक हम बना लेते हैं गुलाब जामुन का डो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे गुलाब जामुन रेडीमिक्स का पैकेट खोल दिया है, और ये जो अंदर का रेडीमिक्स पाउडर है वो मैं यहाँ पे निकाल ले रही हूँ। इसके गुलाब जामुन बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छे बनते हैं। आप जब ये मेजरमेंट यूज़ करोगे तो बहुत ही टेस्टी गुलाब जामुन बनेंगे। तो चलिए, थोड़ा थोड़ा दूध डालकर मैं ये आटा यहाँ पे गूंद लेती हूँ। जैसे कि हम पूरी के लिए या रोटी के लिए बनाते हैं, वैसा ही आटा आपको गूंदना है। दूध एक ही बार में ज़्यादा मत डालिएगा, नहीं तो बहुत ही पतला हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके हमें दूध इसमें मिक्स करते रहना है। देखिए, मैं यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, एक एक दो दो चम्मच दूध डालकर यहाँ पे आटा गूंद रही हूँ। और यहाँ पे देखिए आप लोग, हमारा शुगर सिरप या चाशनी भी बिल्कुल रेडी है। इसे 1 से 2 उबाल आने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे। इतना दूध बच गया है, ज़्यादा दूध भी हमें नहीं चाहिए। आधे कप दूध में आपका डो तैयार हो जाता है। देखिए, इतना सॉफ्ट हमें डो बनाना है। तो इसे हमें 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही रख देना है। दस मिनट रखने के बाद क्या होता है, क्योंकि गुलाब जामुन क्रेकी नहीं बनेंगे और एक जैसे स्मूथ उसको शेप आएगा। तो चलिए, गुलाब जामुन बनाना शुरू करते हैं। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि किस किस को गुलाब जामुन पसंद है। देखिए, हमारा बहुत ही परफेक्ट और राउंड शेप वाला गुलाब जामुन रेडी है। तो चलिए, मैंने बहुत सारे गुलाब जामुन बना लिए हैं। आप लोग देख सकते हो, एक भी क्रैक यहाँ पे नहीं आया है। तो मैंने यहाँ पे तेल गरम करने के लिए पहले ही रख दिया था। तेल ज़्यादा गरम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुलाब जामुन हमारे जल सकते हैं। गुलाब जामुन हर टाइम आप लो गैस पे ही फ्राई कीजिएगा, क्योंकि ये अच्छे से फ्राई हो जाते हैं, नहीं तो ऊपर से जलने के बाद अंदर से गुठलियाँ बनती है। तो इसे लो फ्लेम पे ही फ्राई कीजिएगा। पूरी फ्राइंग प्रोसेस में 5 से 6 मिनट यहाँ पे लग सकते हैं। मैंने यहाँ पे गैस लो रखा है, आपको मैंने दिखाया भी है। तो देखिए, अभी कितना प्यारा कलर आया है गुलाब जामुन को। बस इसी कलर तक आपको इसे फ्राई कर लेना है, और जल्दी ही डाल देंगे गर्मा गर्म गुलाब जामुन गर्म गर्म चाशनी में। ये दोनों भी चीज़ें गर्म होनी चाहिए, तभी ये चाशनी गुलाब जामुन के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगी और गुलाब जामुन बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट बनेंगे। देखिए, बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं। शुगर सिरप में मैंने पहले से ही इलायची पाउडर डाल दिया था। देखिए, हमारे गुलाब जामुन बिल्कुल रेडी है। तो इसे 1 से 2 घंटे के लिए मिनिमम आप रख सकते हो।
तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर भी लीजिए। थैंक यू सो मच।